नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर से आए हैं एक बार नई वीडियो के साथ। और आज वीडियो में कोई माल दिखाने के पर्पज से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, आज कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी कस्टमर, जैसा कि आप जानते हैं, थान की वैरायटी काफ़ी सेल करते हैं। तो काफ़ी कस्टमर ये सवाल कर रहा था, सर थान के कपड़े को काटते कैसे हैं? भाई लेके जाते हैं आपसे, बाद में हमें कटिंग का प्रोसेस नहीं मालूम पड़ता है, मीटर से हम नाप के देते हैं कपड़ा, उसके बाद हमें वेस्टेज होती है और हमें नुकसान होता है जी। फिर वो थोड़ा दुकानदार पे ब्लेम आ जाता है। और जितने भी आप सूरत दिल्ली कहीं दुकान देखेंगे ना, कोई भी आज तक वीडियो में आपको कटिंग का प्रोसेस नहीं समझाता। सबका पर्पज ये है कि हमारा माल बिक जाए, कस्टमर का जाके बिके ना बिके उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। तो आज यही पर्पज से लाए हैं, कोई भी थान है, मैचिंग का है, ऑल ओवर का है, उसका क्या प्रोसेस रहता है काटने का, किस हिसाब से आपको सेल में डालना है, किस हिसाब से आप अपनी दुकान पर डिस्प्ले में लगा सकते हैं उसको। जैसे हमने जो ये कटिंग के प्रोसेस के बाद ये बना रखे हैं सेट, इस तरीके से आप भी अपनी दुकान पर रख सकते हैं अपने सेट को। तो वही वीडियो में समझाने लेकर आया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको ना कोई बेचने के पर्पज से, सिर्फ कटिंग कैसे होती है एक थान की, चाहे वो मैचिंग का है ऑल ओवर का। दो ही तरह के थान आते हैं जी, ऑल ओवर का आता है 20-20 मीटर के थान है वो बताऊंगा आपको, और एक मैचिंग का थान आता है जिसमें 2 मीटर टॉप होती है और 2.5 मीटर सलवार होती है। कैसे कस्टमर काटे और बिना थान को खोले कस्टमर कपड़ा कैसे बेच सकता है, अच्छा ये समझाने जा रहा हूँ। जैसे आप कोई भी ऑल ओवर का थान है जी, मैं पहले थोड़ा बेसिक से समझाऊंगा। ये 4 कलर का सेट है, टाइगर प्रिंट है, बहुत चलता है, ये कॉटन में आपको समझा रहा हूँ। इसको थान को आपको ओपन करना है जी, इस तरीके से आप ओपन करेंगे, बहुत इजी तरीका, सिंपल तरीका, कस्टमर सारे ध्यान से सुने और देखें। ये ऑल ओवर का थान है 20 मीटर का, 20 मीटर कैसे पता चलेगा, ये पूरे पूरे फोल्ड होता है 2 मीटर के, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, नहीं एक साइड बिल्कुल बंद पाती ये बंद होगी बिल्कुल, और 10 फोल्ड आपको मिलेगी, मतलब 20 मीटर का थान है जी। ठीक है, ये 90 GL से कपड़ा आता है, मैं अगर इसमें कस्टमर को बोलता हूँ 5 मीटर कपड़ा दे रहा हूँ तो निकलेगा आपका 4.5, क्योंकि ये जो एल है ये 90 सेंटीमीटर है। अच्छा 90 की है जी, ये सामने से बोल के दे रहे हैं, ये 90 सेंटीमीटर निकलेगा आपका। अब कटिंग का प्रोसेस बताता हूँ, ये जो बंद वाली साइड है इसमें एक छोड़ा, ये 2 मीटर 2 मीटर, अभी आ गया तीसरा, इसमें मारनी आपको कैंची, इसमें बता रहा हूँ आपको कैसे, पूरा थान कटिंग करके बताऊंगा आपको कैसे करना है इसमें। जैसे ये देखिए, इसमें आप कैंची मारेंगे ना, ये देखिए, अब आपका इसमें 2, 4 और 1, 5, ये 5 मीटर का सूट तैयार हो जाता है। इसको फोल्ड करिए इस तरीके से और सेल में डाल सकते हैं आराम से, कोई भी ग्राहक है इस तरीके से आपको देना है जी, और कुछ भी नहीं इसमें करना, इजी है बिल्कुल, कोई ना थान को खोलना। कोई भी अगर आपके ग्राहक आता है कि मीटर से मेरे को कपड़ा चाहिए, मना कर दो उसको कपड़ा नहीं बेचने का जी, भाई ऐसे ही 5 मीटर का सूट बोल के देना है, 4.5 मीटर निकलेगा, और पूरी भारत देश में कहीं भी सूट सिलवाना चाहे 4.5 मीटर में सूट आराम से बनता है जी, उससे आपकी शॉर्टेज होने से बच जाएगी। अब यहाँ से हमने कैंची लगाई थी, ये कट आ गया, जहां पर भी कट होगा वहां से कभी थान को नहीं काटना, ऑल ओवर के थान की बात कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे दूसरी साइड, आप इस साइड आएंगे, 2, 4 और ये तीसरे थान पे आपको कैंची लगानी है इसमें। अब ये देखिए, मैं कैंची लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, अब इसमें 2, 4 और 1 आ गया, 5 अपना, इस तरीके से सूट तैयार हो गया जी। ऑल्टरनेटिव पे चलेगा, पहले इधर से काटा फिर इधर से काटा, अब इधर से वापसी आ जाते हैं, उधर कटिंग लग गई है तो इधर आ जाएंगे हम, 2, 4 और फिर तीसरे थान में कैंची लगाएंगे ताकि 5 मीटर हमारा निकल जाए इसमें। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। कस्टमर क्या है, नया कस्टमर काफी घबराता है कि थान का माल लेके जाते हैं, सर हमें कटिंग तो आती नहीं है, आप हमें काट के दे दीजिए। तो क्या है सर, होलसेल मैन्युफैक्चरिंग रेटों पे कस्टमर को कपड़ा देते हैं, तो कोशिश ये रहती है कस्टमर भी ऐसे रेटों में कपड़ा लेके जाए, कहीं और बाजार से लेके जाएगा, मान लो उसने 4 पीस का सेट ले लिया, उसको रेट ही ऐसा मिलेगा, वो कहां से बेच लेगा उस कपड़े को, उसको महंगा मिलेगा, ग्राहक को ये पता नहीं होता कि वो कितना, वो दुकानदार आस पड़ोस से हम जैसे उसे लेके जाकर बेचता है और उसके बाद कटिंग का बोलता है कि हमने तो कट करके दिया कस्टमर को। सर आप ये चीज एक बार ही सीखने की है, सारी जिंदगी आपको काम आएगी और आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी काम आएगी। ये देखिए तीसरा पीस निकल गया और चौथा पीस आप जानते ही, आप ऑटोमेटिकली 2, 4 और 5, ये 4 पीस आपके 5-5 मीटर के 20 मीटर के थान में से रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से रहता है और ऐसी 3 थान और भी कटिंग करेंगे आराम से हो जाएंगे। अब आपको समझाऊंगा मैचिंग वाले सूट का कैसे करते हैं कटिंग, रुक जरा आप बोलने दो सर। अब हम आए हैं मैचिंग वाले सूट पे, अब ये वैरायटी है जो अपनी 160 रुपए वाली रेंज की है, 2 मीटर टॉप है, 2.5 मीटर प्रिंटेड सलवार है। अब इसको कटिंग का प्रोसेस बताता हूँ, पहले हम लेंगे टॉप, इसको किया ओपन। अब मैचिंग में थोड़ा सिस्टम अलग रहता है, ऑल ओवर में जहां बंद वाली साइड होती है उससे काटते हैं, मैचिंग में इस साइड को हम छेड़ते नहीं है। जैसे 4 पीसेज है, 2, 4, 6, 8 प्रॉपर बंद है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं,
बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इधर ऊपर भी कट है, नीचे भी कट है, बीच में तीन पूरी करनी दिखेगी आपको, तीन थान पूरे दिखेंगे इसमें। इस पे कैंची लगानी है आपको जी लाइन से, ये देखिए। ये देखिए एक कटिंग, ये तो बहुत इजी है काटने के लिए, आसानी से मैचिंग। दूसरे ये तीन बंद जो करनी है इस पे आप लगा दीजिए। ये देखिए थान को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद कैंची लगाएंगे। ये देखिए तीन, अब मैंने कैंची लगा दी, मैं कुछ नहीं छेड़ रहा इसको, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके चार सूट आएंगे इसमें से। तंबा करा पहला, अब यहां से पकड़ना हमको एक पीस टॉप, ये देखिए 2 मीटर फोल्ड रेडी हो गया। दूसरा 2 मीटर ऑटोमेटिकली, कुछ आपको इंची टेप नहीं रखना है, कोई मीटर नहीं रखना है, आराम से बस सेल में डाल दीजिए इसको। ये देखिए 2 मीटर, सारी मेहनत हमने कर रखी है जी, आपको सिर्फ कैंची चलानी, वो भी 3-4 बारी और एक थान आपका कटिंग हो जाएगा। ये टॉप की हो गई, इसी की बॉटम की बात करें सेम प्रोसेस रहता है। ये देखिए 4 करनी बंद वाली साइड है, इसको नहीं छेड़ना, मतलब प्रोसीजर वही जो सूट। अब इसमें सलवार देख पा रहे हो, थोड़ी बढ़िया 2.5 मीटर की सलवार है क्योंकि टॉप 2 मीटर था। अब इसमें एक कन्नी कटी हुई है इधर की ऊपर नीचे की, अब बीच में 3 कैंची चलानी है आपको। ये देखिए 2, ये देखिए 3। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली फिर 4 सलवारें रेडी हो जाएंगी, एक जैसे पूरी एक सलवार होती है। ये देखिए, ये देखिए 2, 3 और ये 4। बहुत इजी तरीका था आपने देखा इसका। अब इसके बाद कैसे प्रेजेंटेशन करी जाती है, हमने क्या कर रखा है, अब कस्टमर के लिए सहूलियत ये भी कर दी गई है, जो जैसे लेडीज आती है तो उनके लिए 2-2 मीटर सूट की कटिंग कर रखी है। जैसे ये एक तो ये हो गया बंडल 20 मीटर का, वो थोड़ा हैवी हो गया, ये देखिए 10-10 मीटर के करा रखे 4, जैसे आप देख सकते हैं ये 10 मीटर 10 10 10 40 मीटर का ही हड्डी, यानी कि 2 पीस मिलेंगे जी। इसमें भी आपको सिंगल सिंगल सूट काटना है, 2 सूट इसमें दे रखे हमने और ऐसे ही मैचिंग वाले सूट में है। आप ऐसे अपनी दुकान पे भी प्रेजेंटेशन बांध के ऐसे कर सकते हैं छोटी पैकिंग में, तो कोई भी ग्राहक आएगा आपसे तुरंत ले जाएगा जी कपड़ा। जैसे देखिए टॉप है, अंदर इसकी बॉटम है, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, इस तरीके से आता है जी प्रोसेस। दोस्तों आप लोगों ने देखा बहुत सिंपल प्रोसेस है, कई लोगों ने इसको क्या कॉम्प्लेक्स बना रखा है, कई लोग बोलते हैं सिर्फ एक कैंची आपको खरीदनी है, जिनके घर पर ये नहीं है, मोस्टली घरों पर होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर और फिर भी दिक्कत है, आप शॉप पर आएंगे जब कपड़ा परचेज करने हैं तब भी आपको समझा दिया जाएगा, नहीं तो हम यही बोलेंगे जो भी शॉप पर आएगा आप ये वीडियो देख लीजिए, सारा आइडिया आपको लग जाएगा, किसी और से समझने की जरूरत ही नहीं है कपड़े को। नहीं तो कोई आता है आप शॉप पे भी आते हैं, ऐसी चीज है, पहली बात 12 महीने बिकती है और आप ये नहीं रखेंगे दुकानदारी नहीं चल पाएगी आपकी, क्योंकि बेसिक रेंज की चीज है। आजकल कस्टमर क्या होता है, दुकानदारी पे जब ही टिकता है जब उसके पास सारी वैरायटी हो, चाहे वो थान की हो कढ़ाई की हो, सस्ते से लेकर महंगा सारी दुकान पर सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो आइए आप शॉप पर विजिट करिए, बहुत वैरायटी है, आज माल बेचने के पर्पज से नहीं है, सिर्फ कटिंग का समझाना था आपको, और प्यार बरकरार रखिए ऐसी।